सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर विकी ब्लॉग। तो कैसे दोस्तों, मेरे आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये वाली जो मेरी वीडियो है ये कल डलेगी, तो इसलिए मैं एडवांस में सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आज मौसम में जैसे कि बताया था आपको कि मौसम दो तीन दिन से रायगढ़ में मौसम एकदम बरसात टाइप का मौसम कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आज मौसम कैसा है, यहाँ की लोकेशन वगैरह कैसा है, सब चीज़ दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। देख सकते हैं दोस्तों, आप इधर साइड में पूरा बादल भी आप देख सकते हैं, पूरा सब यानी कि बारिश होने की तो पूरी संभावना है। अभी हवा वगैरह कर रहा है आपको। चलिए थोड़ा सा इधर साइड का भी, मैं आपको पहले भी इस वीडियो में यानी कि अलंकार होटल का दिखाया हूँ, तो फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। बाकी यहाँ पे और जो मैं बोला था कि आपको गोपी टाकिंग में ना, ये देखिए ये मेन रोड है, ये मेन रोड है पूरा, ये सेल्स कोर्ट है। वहाँ गोपी टाकिंग में दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ लगा हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदू नौ वर्ष की जो रामनवमी जो राम यात्रा है उसकी गाइडलाइंस वगैरह यानी कि प्रशासन ने कुछ गाइडलाइंस वगैरह उसकी निकाली है, तो अभी उसका मेरे को जानकारी नहीं है कि वो गाइडलाइंस क्या क्या है। बाकी गाइडलाइंस कुछ भी हो दोस्तों, अपन तो राम के भक्त हैं। अब क्या बोलते हैं, एक साल बाद राम यात्रा आ रही है, तो उसका तो मज़ा तो लेना बनता ही है दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो मेरा नया ऑफिस है वो अपन डेट फिक्स कर लिए हैं, रामनवमी के दिन ही उसका यानी कि शुभारंभ होगा, उद्घाटन वगैरह होगा। अभी यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीढ़ी वगैरह लगाए हैं, क्योंकि ऊपर में ये सब बिल्डिंग थोड़ा सा जर्जर बिल्डिंग है, तो ये गिरने उड़ने का भी थोड़ा सा यानी कि दिक्कत है। इस वजह से इसको अभी थोड़ा सा एक दो दिन लगेगा रिपेयरिंग करने के लिए। जब हो जाएगा तो इसके बारे में फिर आपको बताएंगे दोस्तों। अभी मैं था अपने ऑफिस में, और आज मेरे ख्याल से आज गुरुवार है और आज ईद का ही दिन है। हालांकि ये वीडियो में जो मेरा जो आएगा वो कल आएगा। तो दोस्तों, मौसम आज बहुत बढ़िया है, कहीं घूमने जाने का मन हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, अपन जॉब में हैं तो जॉब की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते दोस्तों। तो मैं आपको जो इतवारी बाज़ार का थोड़ा मोड़ा जो सीन दिखाया था दोस्तों, तो चलिए उसके बारे में भी आपको थोड़ा मोड़ा दिखा देता हूँ। बाकी मौसम भी तो आज बहुत बढ़िया मौसम है, तो पानी वगैरह गिरने का उम्मीद तो है, बाकी मेरे ख्याल से पानी वगैरह गिरेगा नहीं। और दोस्तों, जो मैं आपको दिखाया था कुछ दिन पहले कि इतवारी बाज़ार का यहाँ पे सीन वगैरह क्या रहता है, कैसे रहता है, दोस्तों मैं आपको बीच में बोला था ये जो खादिम करके है, खादी स्वदेशी महोत्सव करके आया था यहाँ पे, तो क्या है कि अब यहाँ से यानी कि रवाना होने वाले हैं, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए वो उजड़ चुका है और धीरे से यानी कि उसका यानी कि यहाँ पे जगह पूरा खाली हो जाएगा, तो उसके बाद में इतवारी बाज़ार जब लगेगा तो अच्छे से लगेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मलाव वगैरह है सब उठ रहा है गाड़ी का। और ये हमारा जो ऑफिस है, इसका भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, लेकिन जब उसको जब ओपन करेंगे अपना अच्छा से सब चीज़, ऑफिस कैसा है, वहाँ पे सोफा वगैरह सब चीज़ कैसा कैसा लगा है, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। बाकी अभी फ़िलहाल तो मैं मौसम का मज़ा ले रहा हूँ, क्योंकि हवा आ रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, सीन भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। बादल वगैरह तो किया हुआ है, बारिश वगैरह तो मेरे ख्याल से होगी नहीं होगी वाली बात है। बाकी दोस्तों, ये मेरी बाइक है, आज इसको मैं दिया था सर्विसिंग में, क्योंकि जो चेन स्पॉकेट है यहाँ पे, चेन स्पॉकेट से यानी कि थोड़ा आवाज़ वगैरह कर रहा था, तो गाड़ी मैं बनवाने के लिए दिया था। तो इसके पास में मैं गाड़ी दिया था दोस्तों, वो यानी कि भतीजा लगता है, तो गाड़ी बहुत बढ़िया बनाता है दोस्तों। तो मैं शोरूम से आया था, बीच मेरे को शोरूम से फ़ोन आया था मेरे को कि सर आपका गाड़ी सर्विसिंग के लिए टाइम हो गया है, तो पेट सर्विसिंग का यानी कि मेरा क्या कि गाड़ी दो साल से ऊपर हो गया दोस्तों, तो पेट सर्विसिंग के लिए मेरे को बुलाया गया था। लेकिन मैं जब उनसे पूछा कि आपका
पेट सर्विसिंग का चार्ज कितना है, तो फिर वो मेरे को बोले कि पेट सर्विसिंग का चार्ज हम लोग का 450 रुपये है। तो मैं बोला कि भाई 450 रुपये जो आप पेट सर्विसिंग चार्ज लोगे, फिर उसमें हम लोग का जो सामान वगैरह लगाएंगे वो अलग है, क्या बोलते हैं आपका मिस्त्री चार्ज वगैरह कुछ कुछ लगता ही है। तो मैं बोला कि इससे अच्छा मेरा जो भतीजा है मैं उससे बनवा लूँगा, हालांकि वो गाड़ी भी अच्छा बनाता है। और मेरे को क्या है कि दोस्तों सिर्फ सामान का ही यानी कि दिक्कत रहता है, और मैं जो भी सामान लेता हूँ जेन्युइन सामान लेता हूँ, होंडा का गाड़ी है, होंडा शोरूम से ही लेता हूँ मैं सामान दोस्तों, और उसी का यानी कि मैं सामान वगैरह लिया जो वहाँ पे मेरे को 450 रुपये लगता है, ये मेरा आपका 100-150 का मेरा काम हो गया दोस्तों। तो सर्विसिंग यानी कि जो मेरा भतीजा लगता है जो करता है बहुत बढ़िया सर्विसिंग करता है, और क्या बोलते हैं गाड़ी बहुत बढ़िया बनाता है उसको, वो यानी कि जिसका भी गाड़ी लेता है वो अपने तरीके से बनाता है, यानी कि अपना गाड़ी समझ के बनाता है। और एक बार उसके पास सर्विसिंग कराता हूँ मैं, तो फिर मेरे को दोबारा उसको कंप्लेन करनी है किसी चीज़ के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है दोस्तों मेरे को। तो दोस्तों मैं जैसा कि आपको बोला था कि मैं नवरात्र के समय में मैं जाऊँगा चंदरपुर, लेकिन मैं चंदरपुर जा नहीं पाया था दोस्तों, क्योंकि देख आपको जैसे कि मैं दिखाया कि मौसम यहाँ पे कितना यानी कि ख़राब मौसम हो रखा है, यानी कि बारिश कभी भी हो सकती है दोस्तों। हालांकि रात रात में बारिश होती है, दिन में तो कुछ बारिश वगैरह नहीं होती है। तो मैं चंदरपुर जाने की सोचा तो था दोस्तों, लेकिन जा नहीं पाया था क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, बारिश वगैरह हो रही थी। और दोस्तों मैं जॉब में ही रहता हूँ तो फिर ज़्यादा दूर जा नहीं पाता हूँ, मैं यही आसपास का ही वीडियो बनाते रहता हूँ। बाकी कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं और भी आपको अच्छी अच्छी और वीडियो बना दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मौसम भी बहुत बढ़िया है, और रामनवमी वगैरह आएगी तो मैं तो उसमें जाऊँगा ही, और आप लोगों से ही बोलूँगा कि आप जाइए ज़्यादा मात्रा में जाइए। और दोस्तों मैं आपको जो भटोलिया जी हैं, वो भटोलिया जी आ रहे हैं, आपको उसका वीडियो दिखा दूँ। ये रहे हमारे भटोलिया जी। और भटोलिया जी कहाँ घूम रहे हो हाँ? यार इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्स, एकदम ऐसा ही टाइप का बड़ा सेलिब्रिटी हूँ टाइप का। तो दोस्तों भटोलिया जी आ चुके हैं, और आज भाभी जी इनको छोले भटूरे भेजे, यानी पूरी सब्जी और छोले का सब्जी, यानी कि पूरी और छोले का सब्जी भेजे थे, दबा के खाए हैं मस्त। और फिर भी बोल रहे हैं कि मेरे को पोहा चाहिए, जलेबी खाना है, जलेबी और पोहा खाने का मन हो रहा है। और मैं बोला कि भाई पहले तो मेरे को बोले कि भूख लग रहा है, मतलब जब भूख लग रहा है तो भाई टिफ़िन खाओ, अर्थात जो टिफ़िन लेके आया उसको खाओ, लेकिन बोल रहे हैं कि पोहा खाने का मन कर रहा है, जलेबी खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं दोस्तों दुनिया में कि जो अपना खाना छोड़ के दूसरे के खानों पर नज़र रहता है। दोस्तों मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मुझे दुकान में बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर बैठ रहा हूँ तो थोड़ा सा मौसम की वजह से क्या है कि अंधेरा अंधेरा दिख रहा है थोड़ा अंदर में, हालांकि लाइट वगैरह है फिर भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाहर ही में बैठा रहूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बाहर में टहलता रहूँ, क्योंकि मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो अच्छा लग रहा है बाहर में। बाकी अपना काम भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन तो घूमने तो आए नहीं हैं, काम करने आए हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने ऑफिस के अंदर, और आपको ऑफिस का भी थोड़ा मोड़ा वीडियो दिखा दे रहा हूँ। इसका मैं लॉक करके थोड़ा सा काम से गया था, तो इसका लॉक वगैरह भी खोल दे रहा हूँ मैं, ये दोस्तों अपना आ गया हूँ मैं ऑफिस में। यूट्यूब में कुछ कुछ यानी कि वीडियो देख रहा था मैं, तो उसको तो पहले तो सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि तो आ जाएगा तो कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, या टिकट जो भी टिकट वोटी है सब यहीं से बनाते हैं दोस्तों, सब टिकट वगैरह यहीं पे बना हुआ है। तो बस दोस्तों यही मेरा ऑफिस है, यही मेरी कर्मभूमि है, यहीं पर मैं लगा रहता हूँ हमेशा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे तब तक कोई लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, तो काम करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं तो यही सोचता हूँ दोस्तों खुद का कुछ करना चाहिए, लेकिन हर किसी के पास में ऐसी सुविधा नहीं रहती है दोस्तों कि वो खुद का कुछ काम कर पाए या खुद का कुछ बिजनेस कर पाए। तो मैं तो बस यही बोलूँगा दोस्तों कि अगर बढ़िया पढ़े लिखे हैं तो उसको अपना दिमाग
अच्छी बिजनेस करने में या तो फिर कुछ अच्छा चीज़ करने में लगाएं दोस्तों, किसी के अंडर जॉब करने में ना लगाएं। इतना पढ़ लिख के आप किसी का नौकर बनोगे ये अच्छी बात नहीं है, मेरी भी सोच हुई है, लेकिन दोस्तों क्या करोगे, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, थोड़ा सा मजबूरी है इस वजह से मुझे जॉब करना पड़ता है, नहीं तो अगर मेरे पास बने पूंजी अगर तक मैं तो खुद अपना खुद का कुछ बिजनेस करता दोस्तों। बाकी मौसम तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया मौसम है, देख सकते हैं आप तो कई मौसम बहुत बढ़िया है, वहाँ ऊपर में देखो वो उच्ची बैठी हुई थी, तो मौसम वगैरह बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे मेरे दीदी जी जलम पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, एकदम कहाँ घूम रहे हो, ATM? कितना पैसे? तो दोस्तों मेरी दीदी और मेरे जीजा दोनों आए थे, किसी के उनके कोई दोस्त या कोई है उनके अकाउंट में पैसा वगैरह या कुछ जानना था, तो इसीलिए आए थे वो, तो मेरे को पैसा दिए हैं कि इसको अकाउंट में डलवा देना एक दिन का, तो मेरे को व्हाट्सअप में वो भेज देंगे बोल के बोले थे, तो वो भेजेंगे उसके बाद में पैसा डलवा दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गली थोड़ा सा सुनसान है, क्योंकि आज दोस्तों ईद है, तो लोग क्या है कि अपना ईद वगैरह मना रहे हैं घर में। तो दोस्तों मैं तो बस ये बोलूँगा आपको कि मौसम का मज़ा लीजिए, आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, घूमने फिरने का तो मौसम है, लेकिन मैं तो अपने जॉब में तो घूम के पाऊँगा नहीं दोस्तों। बाकी मैं सोचा हूँ कि संडे को चंद्रपुर जाने की सोचा हूँ दोस्तों, मैं आपको चंद्रपुर का भी कुछ वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जब जाऊँगा तब दिखाऊँगा, इससे बोल रहा हूँ दोस्तों। बाकी कोशिश करूँगा कि हर बात को मैं अपने बोल रहा हूँ पूरा करूँ दोस्तों। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय श्री।